हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेन से विवाह क्यों किया, आखिर उसके बारे में चाणक्य ने क्या बोल दिया जो चंद्रगुप्त को हेलेन से विवाह करना पड़ा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ बताएंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त ने चाणक्य के उपदेश से हेलेन से विवाह किया। चाणक्य ने कहा, हेलेन से उत्पन्न संतान कभी उत्तराधिकारी नहीं बनेगा क्योंकि मुगल किसी के नहीं होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेन का विवाह एक राजनीतिक विवाह था। हेलेन सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी जो सिकंदर के शीर्ष जनरलों में से एक था, और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसे उसके साम्राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा विरासत में मिला और वह राजा बन गया। सेल्यूकस की सीमा तक्षशिला प्रांत के निकट मौर्य साम्राज्य को छू रही थी। 305 ईसा पूर्व से युद्ध छिड़ गया जिसे मौर्य सेल्यूकस युद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बड़ी हार दी। परिणाम स्वरूप संधि पर हस्तांतर किए गए जिसमें चंद्रगुप्त को उत्तर पश्चिम में सेल्यूकस साम्राज्य का बड़ा भाग, संभवतः आज के ईरान का कुछ भाग मिल गया। साथ ही संधि के तहत उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी युद्ध में उपहार में दिए, क्योंकि कोई और उन पर हमला करे तो वह उनसे सामना कर सके। तो दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जानकारी से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।